इसको बोलते हैं कोरियन क्रीम बन। इस ब्रेड के साथ कोई चीज सॉस होती ना, इतनी टेस्टी लगती ना, जो मैं जब बेड खाना सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है ये वाली डिश। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और सैटरडे फन वीडियोस के इस एपिसोड में हम लोग खाने वाले हैं पूरे दिन बेक्ड फूड। हमने 24 आवर फ्राइड फूड चैलेंज कर रखा है, 24 आवर तंदूरी फूड चैलेंज कर रखा है, आज बेक्ड खाने की बारी है। और आपका तो नहीं पता, पर नाश्ते की जब बात हो तो बेक्ड फूड में मेरे दिमाग में आती है स्कूल वाली कैंटीन वाली आलू पैटी। बट यार, ब्रेकफास्ट तभी लाएंगे जब आप वीडियो पर लाइक करोगे और चैनल पर सब्सक्राइब करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कोई जगह है डो एंड क्रीम, जिससे पश्चिम विहार से हम लोगों ने मंगवाई है 3-4 टाइप की अलग अलग पैटियाँ। दिखाता हूँ क्या है और फिर खाते हैं। यार पहले तो आप अपनी फेवरेट पैटी कमेंट करके बताओ कौन सी है। मैंने आज मंगवाई है सबकी फेवरेट आलू पैटी और 3-4 और पैटियाँ। ये वाली शेप पैटी की मुझे बहुत प्यारी लगती है यार। क्या मतलब, सुबह सुबह नाश्ते में अगर ये चीज़ मिल जाए ना भाई, अंग्रेज लोग खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? हम क्या स्कूल के कैंटीन में ही खा सकते हैं ये पैटियाँ? ये दूसरी वाली, उई ये कैसी शेप है? मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे राउंड पैटी की शेप। ये मेरे को लग रहा है चिली पनीर टाइप सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे चिली ऑल्सो दिख रहा है। ये भी सही लग रही है। ये सारा लीकेज हो गया। मोमोज वाली चटनी मंगवाई थी, वो आधी तो लीक ही हो गई और उसके 30-40 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे इन्होंने। ये कौन सी पैटी है? ओ भाई, ये तो जम्बो पैटी लग रही है, क्या साइज है। मतलब मोटा मोटा लगाओ, आज के दिन में हम लोग वही खाना खाने वाले हैं जो अवन में से निकले। अब ये एक थैला और बच गया है, पर इसको हम लोग डिनर में खाएंगे। इसके अंदर क्या है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। बचपन की ऐसी याद जुड़ी हुई है इसके साथ जो आप लोग देख के बड़ा खुश होंगे। और ये मैंने 30-40 रुपए देख के थोड़ी सालसा सॉस मंगवाई है। क्यों मंगवाई है मत पूछो मुझसे। ये है वो मोमो की चटनी जो सिर्फ इतनी सी ही बची है, बाकी सारी लीक हो गई है। और ये लग चुकी है मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट, क्या कमाल की लग रही है यार। ये आलू पैटी है, ये चिली पनीर पैटी है, मेरे हिसाब से ये मशरूम की है और ये पनीर है, उल्टा भी हो सकता है। ये मशरूम की पैटी है, अच्छा तो वो एक चिली पनीर होगी और एक पनीर वाली होगी। गेस करते हैं, ये वाली होगी पनीर वाली पैटी। ओ भाई क्या फुलावट आ रही है। ओह गलत लेयर कर दी। क्या सही लेयर कौन सी है इसकी? अरे पैटी में कुछ डाला भी है। अच्छा ये वाला पनीर डाला है इन्होंने। ये पनीर कौन डालता पैटी में? यार हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट में 4 टाइप की पैटियाँ मंगवाई है। लंच में कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो ज़्यादा एकदम बेक्ड सोचते हो तो आपके दिमाग में है। इवनिंग स्नैक्स में फिर कुछ हटके, और डिनर मतलब पूरे दिन में कुछ ना कुछ आपके लिए अलग रहेगा। और आप कॉमेंट्स में बताओ अगले सैटरडे फन वीडियो में कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, अभी कॉमेंट करो। पीछे गाना वायरल हुआ था ना, बिखरने का मुझे शौक है बड़ा, पैटी के लिए बड़ा सही चलता है वो। अरे यार आलू पैटी को तो छोड़ देते, आलू पैटी के अंदर इन्होंने कॉर्न डाल रखे, ऑलिव डाल रखे हैं। यार नई पैटी बना लो, पर बेसिक आलू पैटी को मत छेड़ो। और ये चिली पनीर वाली तो बहुत ही हाईफाई लग रही है, इसको तो खोलने का कोई तरीका ही नहीं है, पर हम भी वेजी भाजी है, खोलेंगे इसको। जी अच्छी लग रही है सरप्राइजिंगली, पहले मैं सोच रहा था नहीं मंगवाऊं। भाई देखो, ब्रांड जितनी मर्जी कर ले कोशिश अपने कस्टम केचप के पैकेट्स देने की, उनको तो बचा के रखना है। बीइंग अ मिडिल क्लास, केचप हमेशा बॉटल से ही डालनी है। चलो भाई टाइम टू टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट करेंगे आलू पैटी से, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। केचप चल 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 भैया, मैंने पता नहीं सालसा और मोमोज वाली चटनी क्यों मंगवा ली, पैटी का मजा तो केचप के साथ ही आता है। पैटी खा के ना कभी कभार मुंह भी ऐसे सूखा सूखा सा हो जाता है, तो फिर उसके साथ कुछ ऐसे पीने का चाहिए होता है। मेरे को याद है बचपन में हम लोग कैंटीन में जाते थे, आलू पैटी लेते थे और एपी आती थी, वो टेट्रा पैक वाली या फ्रूटी आती थी, वो साथ में पीते थे, बड़ा मजा आता। आलू पैटी को मैं बोलूंगा ओके ओके। ये डो एंड क्रीम से मैं पहली बार मंगवाया, मैंने कुछ अराउंड 4 पैटी और एक वो चीज़ जो डिनर में आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मेरे को 350 रुपये देने पड़े थे। अब ये चिली पनीर वाली पैटी ट्राई करूंगा, इससे मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, देखने में लग रहा था।
भाई देखो, पैटी खाने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। अगर पैटी खा के कपड़े गंदे नहीं हुए तो आपने पैटी सही नहीं खाई। अगर पैटी खा के आपको सूखा सूखा नहीं लगा तो आपने पैटी सही नहीं खाई। और अगर पैटी खाते हुए आपको केचप लगाने की ज़रूरत ना पड़े तो भी पैटी सही नहीं है। ये चिली पनीर वाली पैटी अच्छी है, इसमें चिली पनीर का पूरा फ्लेवर वगैरह, पर मेरे को केचप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि केचप लगाने से टेस्ट ख़राब हो रहा है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से पैटी और केचप एक साथ ही रहे हैं। अब मैं कैसे अलग अलग कर दूँ उनको? अच्छी है, चिली पनीर वाली पैटी अच्छी है, बस थोड़ी सॉफ्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर पता नहीं सॉसेस, वो क्या बोलते हैं, ग्रेवी है या जो भी है, सॉफ्ट है। ये तो ऐसे ही खुल रहा है, इसको मैं ना ऐसे करता हूँ, ओपन टोस्ट की तरह खाता हूँ इसको, मशरूम वाली पैटी को। ये वीडियो बड़ी डिफिकल्ट सी बन रही है बनाना, आप देख रहे होंगे प्लेट चेंज है, क्योंकि अब दूसरा दिन हो गया है। कल मैंने वीडियो ये स्टार्ट करी थी, ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद लंच बहुत 7 बज गए थे, मैंने कुछ खाया नहीं था। फिर मेरे को लगा यार नहीं, अब थोड़ा दोबारा से कल स्टार्ट करेंगे। तो आज सेकेंड डे है ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, आज फिर से ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तो अब आप कुछ शॉर्ट्स देखो कि कल के जो ब्रेकफास्ट खाए कुछ आज के। तो ब्रेकफास्ट खाते खाते फिर हम लोग लंच की तरफ प्रोसीड करेंगे, और आज के दिन में 24 घंटे पक्का। आज भी मैंने उसी जगह से खाना मंगवाया और आज क्या इसका चेक हो गया कि ये कैसा है, कल से आज ज़्यादा टेस्टी है। दो दिन से डेली मेरा ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। मेरा डाइटिशियन अगर ये देख लेगा ना, पीछे पड़ जाएगा मेरे। लंच पे मिलते हैं, लंच पे आपको दिखाता हूँ कुछ और खतरनाक चीज़ें बेक फूड की, जो बंदा नॉर्मली सोचता है ये बेक फूड, हाँ ये बेक फूड है। चलो आप लोगों के लिए एक टास्क है, 5 बेक फूड के नाम कॉमेंट्स में बताओ अभी। लंच दिखाता हूँ क्या है, मैंने 3 अलग अलग जगह से मंगवाया कुछ कुछ चीज़ें। पहले तो ये मीठे से शुरुआत करते हैं, चीज़ केक एंड कंपनी का बेक्ड चीज़ केक। खुल जा काका, क्या खुशबू आ रही है यार, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये हम लोग खाएंगे अपना लंच के डेजर्ट्स में। अब भाई चटोरे लोग तो हैं हम लोग, ऐसे कुछ भी ऐसे मंचिंग वगैरह करने के लिए बेक्ड चीज़ बंदे के ना दिमाग में कभी आता नहीं है वैसे, इतना बेक्ड जब सोचते हैं। बट जो बिस्कुट है, बिस्कुट, हम लोग बिस्किट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिस्कुट। बिस्कुट भी तो बेक ही होते हैं। ये पूरी बेकर से मंगवाए हैं, पिस्ता बादाम और काजू वाले बिस्किट्स। और ये है मतलब मोटा माल जिसको बोले हैं, मेन कोर्स। ये ना मैंने मंगवाया ईट फिट से, और ये ईट फिट हो गया, एक दो और कंपनियां हो गई, ये सब ना हेल्दी पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब ये पता नहीं हेल्दी पिज़्ज़ा की क्या डेफिनेशन होती है। और ये गार्लिक ब्रेड है, अब पता नहीं ये हेल्दी पिज़्ज़ा है कि नहीं है, बट क्योंकि इनकी ना, इनका ये USP ये होता है कि हम लोग आपको हेल्दी खाना खिलाते हैं, तो ये गार्लिक ब्रेड इसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये बढ़िया सी मैंने अपनी लंच की प्लेट लगा ली है, गार्लिक ब्रेड। ये जो इसके अंदर हेल्दी क्या है कि ये आटे की बनी हुई है, ऐसे ये बोल रहे हैं। कितना परसेंट आटा डाला ये नहीं पता, पर आटा लिखा हुआ है होल व्हीट गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक ब्रेड काफ़ी ड्राई है, मतलब गार्लिक ब्रेड में आजकल गार्लिक का तो फ्लेवर ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता किसी भी गार्लिक, मोस्ट गार्लिक ब्रेड्स में। और ये कहने को फ्लेवर आफ्टर टेस्ट में आ रहा है, गार्लिक ब्रेड काफ़ी ड्राई है। चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा बेक कर रखी है, तो चीज़ भी ड्राई हो चुकी है। ये पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा भी इसका बेस थोड़ा अलग है, होल व्हीट पिज़्ज़ा तो नहीं लिखा हुआ था, बट लग तो ये रहा है कि इसमें भी कुछ इन्होंने आड़ा टेढ़ा कुछ तो करा है। ये पिज़्ज़ा फिर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना सॉस डाल रखी है, तो सॉस से ना वो जो डो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं गीला गीला रहता है बेक होते टाइम पे, तो सही रहता है। गार्लिक ब्रेड में सिर्फ चीज़ डाल रखी है, वो एकदम ऊपर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट, वो ऐसे ड्राई ड्राई सी गार्लिक ब्रेड नहीं पसंद है। पिज़्ज़ा इज स्टिल फाइन। भाई बिस्किट बहुत करारा है, एकदम बढ़िया खस्ता बढ़िया से बिस्किट बेक होना तो मज़ा आता है। वो पिज़्ज़ा जैसा भी था, पर वो उसका सॉस बहुत अच्छी थी, उस पिज़्ज़ा का बेस्ट पार्ट था उसकी सॉस। और मुंह चटपटा हो जाना उसके बाद चाहिए होता है कुछ मीठा अपनी मील एंड करने के लिए। तो हम खा रहे हैं बेक्ड चीज़ केक एगलेस, और ये इसकी चीज़ गिरे इससे पहले कि इसको खा ले जाए। सो गिल्टी, सो टेस्टी। इवनिंग स्नैक्स में एक और चीज़ मंगवाई है पूरी बेकर से, शाम का एकदम माहौल है, स्नैक्स वाला खाना रहेगा, मिलते हैं।
अभी कुछ 6 बजने वाले हैं, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया है और मैंने रियलाइज करा है ये 24 घंटे बेक्ड फूड खाने में मैं मैदा बहुत खा रहा हूँ। कभी वैसे रियलाइज नहीं करा था बट बेक्ड फूड मोस्टली मैदा होता है और अगर वो हेल्दी आटे वाला जैसे होता है तो उसमें वो टेस्ट सा नहीं होता। ये बहुत प्यारी, देखो जस्ट लुक एट दिस, देखो बहुत प्यारी सी चीज मशरूम लोफ है, क्या मस्त बेक हो रखी है। इसके अंदर से स्पाइरल्स देख रहे हो आप, ये वाले तो हम ये खा रहे हैं और दूसरा हम लोग खा रहे हैं ये डंकिंग वाली कुकीज। मैंने थोड़ी सी हेल्दी वाली कुकीज मंगवाई है, अभी बताता हूँ कहाँ से मंगवाई है। पीछे जो लोफ थी वो पूरी बेकर से मंगवाई थी और साथ में ये ब्राउनी और कपकेक, मतलब सारी मीठी वाली बेक्ड चीज़ें मंगवा ली है। लेट्स टेस्ट इवनिंग स्नैक्स में। ये देखो यार कितनी कमाल की लग रही है, मतलब ये मेरे को ना डिनर में खाना था बट जब से घर में आई है ना ये बिस्किट्स के साथ, पूरी बेकर से सुबह बिस्किट्स के साथ ही मंगवाई थी लंच में, तब मेरा मन कर गया कि भाई इसको अभी इवनिंग स्नैक्स में खा लेते हैं। मतलब बहुत टेम्पटिंग सी लग रही है कि आपको तो बोलूँगा, अगर आपको भी मन कर रहा है घर में कुछ टेस्टी सा उठा के फिर ये वीडियो रिज्यूम करो। आपको बता रहा था ना सारी चीज़ें मोस्टली मैदे की होती है, तो ये मैंने ढूंढ के निकाली है, कैलोरी एंड को करके एक जगह है मॉडल टाउन में, वहाँ से ये ओट्स वाली कुकी निकाली है, ओट्स और गुड़ की कुकी देख रहे हो, और ये है वॉलनट वाली, आटे की वॉलनट वाली जैगरी वाली ब्राउनी, तभी थोड़ी हार्ड है बट ठीक है आटे की है, ये आपका नॉर्मल जो मफिन होता है। चलो जी टाइम टू टेस्ट, पहले कुकीज टेस्ट करते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, लाइटली स्वीट है और इसमें वो हेल्दी वाली फीलिंग आ रही है कि बहुत हेल्दी सी चीज़ है। अब ये आटे वाली ब्राउनी टेस्ट करते हैं। अब थोड़ा तो मैदे से फ़र्क है कि ये आटा डेंस होता है बट ब्राउनी वैसे भी डेंस होती है तो पता नहीं चल रहा, दिस इज़ वेरी नाइस। और थोड़ी गिल्ट फ्री भी है कि आपको पता है आटा ही है, बस हल्की शुगरी है बस। लुक एट दिस भाई, ये ब्रेड देखो। इस ब्रेड के साथ कोई चीज़ सॉस होती ना इतनी टेस्टी लगती ना। भाई क्या खतरनाक टेस्ट है यार। बहुत सारे 24 आवर चैलेंज में ना डेजर्ट्स मिलते ही नहीं है क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाते चैलेंज के रूल्स के हिसाब से। इस चैलेंज में इतने डेजर्ट्स है ना, क्योंकि बेक्ड फूड है, मोस्टली बेक्ड फूड स्वीट होता है। सो गुड, वाओ, ये फेवरेट था मेरा। क्या इतने टाइम बाद इतना टेस्टी कपकेक खाया, दिस इज सो नाइस। ये और वो चीज़ मशरूम लोफ, ओहो, अब मिलते हैं डिनर पे। अच्छा डिनर का टाइम हो गया और डिनर में मैं ये चीज़ खाने वाला हूँ जो मैंने एक्चुअली में प्लान करी थी इवनिंग स्नैक्स में खाने की, बट वो चीज़ मशरूम वाली ब्रेड देख के ना मन ललचा गया तो मैंने रिप्लेस कर लिया। क्या सही लग रहा है यार ये, इसको बोलते हैं कोरियन क्रीम बन। और दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है, गार्लिक ब्रेड। ये अच्छा, ये अगली वाली चीज़ के साथ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी होगी। और फाइनल मेन कोर्स खोलने से पहले लेट्स हैव बेक्ड नॉट फ्राइड वाला लवाश। ये एक मिडल ईस्टर्न स्नैक होता है। ओहो, इसके ऊपर भी इन्होंने सीड्स टाइप से डाल रखे हैं, नाइस। मैं ना काफ़ी सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफस्टाइल में डालने लग जाता हूँ ये चैलेंजेस की वीडियो में खाना एक्सप्लोर करते करते। आई थिंक ये लवाश उनमें से एक चीज़ होने वाली है। बहुत सही है यार, एकदम ऐसे गिल्ट फ्री सी फीलिंग दे रहा है क्योंकि ये बेक्ड है ना कि फ्राइड है। और अब फाइनली जो मैं जब बेक्ड खाना सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है ये वाली डिश। ये है बेक्ड वाला पास्ता जिसको बोलते हैं लज़ानिया, नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे एकदम देसी स्टाइल में लज़ागना। अरे ये चीज़ तो रही गई जो आपको बोला था मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या है इसके अंदर, बचपन की यादें। अगर आपको ये पता है क्या है तो आपका बचपन बहुत अच्छा गया है। टाइम टू टेस्ट, सबसे पहले कोरियन क्रीम बन। ओहो फैन हो गया इसका, क्या टेस्ट है। ये कोरियन क्रीम बंस हम लोगों ने मंगवाया है मेसन्स से, मेसन्स नाम की जगह से। ओहो वेरी नाइस। और अब ये खाते हैं लज़ानिया। सो गुड, लज़ानिया विद गार्लिक ब्रेड।
मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये कोरियन क्रीम बंस को बीट नहीं कर सकता, तो इसको पहले खाएंगे, कोरियन क्रीम बंस बाद में। पूरा अंदर तक क्रीम भरा हुआ है, अच्छा है। मैं इसको बहुत महीनों इफ नॉट सालों बाद खा रहा हूँ। उससे भी वीडियो एंड कर सकते थे, बट इससे वीडियो एंड करने में जो मजा आएगा ना, इसके अंदर एक बेक्ड लवाश का पीस डालता हूँ बिकॉज आई कैन। और आप वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज यू कैन, कमेंट कर दो कोई अच्छा सा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मिलेंगे किसी और सैटरडे फन वीडियो में कुछ और बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए। मैं खाऊंगा और आप देखोगे, या फिर मैं खाऊंगा और आप बढ़िया सा खाना ले के इस वीडियो को देख सकते हो, तो हम दोनों साथ में मिलकर बढ़िया खाना खाएंगे। बाय बाय।